आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ डील करेंगे कि भाई व्हाई द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ सीआरजीओ। भाई सीआरजीओ क्या चीज़ होती है और क्यों हम लोग ट्रांसफार्मर का कोर जो है वो सीआरजीओ का बनाते हैं। आखिर सीआरजीओ ऐसा क्या कर देता है ट्रांसफार्मर कोर के साथ जिसकी वजह से हम लोगों को सीआरजीओ को प्रेफर करना पड़ता है इन प्लेस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और सिलिकॉन स्टील, जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि सब लोगों को ये तो पता है कि ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो सीआरजीओ की बनी होती है, पर क्यों सीआरजीओ की बनी होती है इसका रीज़न बहुत कम लोग जानते हैं अगर एटॉमिक लेवल पे बात करी जाए। इन सबको हम लोग इसमें देखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बात बता दूं आपको कि सीआरजीओ अपने आप में कोई एक टर्म नहीं होती, सीआरजीओ, ठीक। तो सीआरजीओ जो है वो अपने आप में कोई जो है, केवल आप सीआरजीओ अगर कहोगे तो सीआरजीओ केवल एक शुरुआत की टर्म है, यानी कि हम कह सकते हैं एक इनकम्प्लीट टर्म है। तो पूरी टर्म क्या है, तो पूरी टर्म अगर आप कहोगे तो आप कहोगे सीआरजीओ सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील। अब ये नाम पूरा हुआ, ध्यान रखना सीआरजीओ अपने आप में पूरा नाम नहीं है, बल्कि सीआरजीओ सिलिकॉन स्टील एक पूरा नाम है, जो बहुत लोग को गलत बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं कि हम सीआरजीओ का बना होता है। नहीं नहीं सीआरजीओ सिलिकॉन स्टील का आपका ट्रांसफार्मर कोर बना होता है, ना कि केवल सीआरजीओ का, ठीक है। यहाँ पे सीआरजीओ की है कोल्ड, ठीक है, आर का होता है रोल्ड, ठीक है, और जी का होता है ग्रेन, ठीक है, एंड ओ इज ओरिएंटेड। ये बेसिकली ओरिएंटेड, ठीक। तो ये एक प्रॉपर्टी बता रहा है सिलिकॉन स्टील की, मतलब एक ऐसा सिलिकॉन स्टील जिसके जो ग्रेन्स हैं, ठीक, जो इसके अंदर ग्रेन्स या क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो कोल्ड रोल्ड करके उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट कर दिया गया है। तो सबसे पहले इसका मतलब समझो, सीआरजीओ का मतलब होता है अपने आप में, सीआरजीओ कोई एक टर्म नहीं है, बल्कि सीआरजीओ सिलिकॉन स्टील एक कंप्लीट टर्म है, ठीक। तो सीआरजीओ में इसमें इसका मतलब होता है कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा सिलिकॉन स्टील जिसके जो क्रिस्टल्स हैं या ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स और क्रिस्टल भी कह सकते हैं, ग्रेन्स या जो उसके क्रिस्टल्स हैं उनको हमने कोल्ड रोल्ड यानी कि ठंडा रोलर से उसको रोल करा है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट कर दिया है, ठीक है। इसी के ऊपर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ, तो उसी को देखते हैं, ठीक है। तो अगर बात की जाए सीआरजीओ मटेरियल की, यानी कि सिलिकॉन स्टील की अगर बात कर लूँ, सिलिकॉन स्टील की एक खास प्रॉपर्टी देखी गई, उसमें क्या देखा गया, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग एक क्रिस्टल ले लें, बहुत ध्यान से समझना, अगर हमारे पास इस तरीके का एक क्रिस्टल है, ठीक, या फिर हम इसको कह सकते हैं ग्रेन है, ये क्या है, सिंगल ग्रेन है। अब ये कहाँ से आया, तो भाई हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो सिलिकॉन स्टील है अगर वो इतना है तो उसके अंदर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो इसका है, इस सिलिकॉन स्टील का, उसका अगर एक पर्टिकुलर पार्टिकल उठा के, एक पर्टिकुलर क्रिस्टल उठा के अगर मैं देखूंगा तो वो इस ग्रेन की तरह दिखेगा, या ग्रेन कह सकते हैं या फिर क्रिस्टल, एक ही चीज़ है। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका एक क्रिस्टल, यानी कि सिलिकॉन स्टील की जो शीट होती है उस शीट का एक कण, एक ग्रेन, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अगर इस क्यूबिक फॉर्म में होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की शेप में होगा, तो एक इंजीनियर थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको देखा, उन्होंने कहा कि भाई जब उन्होंने इस पर रिसर्च करी तो उन्होंने ये पाया कि अगर हम इस पर्टिकुलर स्टील, ये पर्टिकुलर जो ग्रेन है क्रिस्टल, इसको अगर मैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हैं तो ये क्रिस्टल अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन की अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैं इसे इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करूँगा, ठीक, इस एज के अक्रॉस, एक बार मैं इसे इस एज के अक्रॉस, सॉरी ये वाला एज है, इस एज के अक्रॉस इसको मैग्नेटाइज करूंगा, अगेन थर्ड टाइम मैं इस पर्टिकुलर एज के अक्रॉस इसको मैग्नेटाइज करूंगा, ठीक। तो एक केस, सेकंड केस, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस, ठीक। तो ये देखा गया कि जब मैं एक सिलिकॉन स्टील की जो शीट होती है उसके एक पर्टिकुलर पार्टिकल को जब हम लोग तीन अलग अलग डायरेक्शन में हमने मैग्नेटाइज करने की कोशिश करी, यानी कि ग्रेन के स्ट्रक्चर को जब मैग्नेटाइज करने की कोशिश की गई, तो हमें कुछ इस तरीके का कर्व मिला। कर्व कैसा मिला, बीएच कर्व जब बनाया गया मैग्नेटाइज करने के लिए, मैग्नेटाइजेशन कर्व बीएच कर्व भी होता हमेशा से, तो जब बीएच कर्व बनाया गया तो एक पर्टिकुलर कर्व जो था वो इस तरीके से उसने फॉलो करा, ये रहा ये कर्व, ये आ गया। जब हमने उसे दूसरी एक्सिस के अक्रॉस करा, यानी कि ये था आपका एक पर्टिकुलर एक्सिस के अक्रॉस, जब दूसरी एक्सिस के अक्रॉस करा तो ये आ गया, ठीक, और जब तीसरी एक्सिस के अक्रॉस करा तो ये आया, यानी कि अगर फर्स्ट एक्सिस ये हो गई, सेकंड एक्सिस दिस वन एंड थर्ड वन इज दिस वन, ठीक। अब बात को समझो, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, यानी कि आपने क्या करा है, जो सिलिकॉन स्टील की शीट है उसके एक पर्टिकुलर पार्टिकल को निकाला और उसको जब मैग्नेटाइज करके देखा तो तीन अलग अलग जब एक्सिस पे मैग्नेटाइज करा गया, यानी कि जब इस एक्सिस के अक्रॉस वन लिखा हुआ जिस पे, जब इस एज के अक्रॉस जिसे मैग्नेटाइज करा गया तो इसने ये वाला बी एच कर्व शो करा, देन जब हमने उसे सेकंड वाली एक्सिस के अक्रॉस मैग्नेटाइज करा तो उसने ये वाला कर्व शो करा बी एच का, एंड थर्ड वन इज द दिस वन। यानी कि इन तीनों कर्व को अगर ध्यान से देखो तो ये फर्स्ट वाला जो है ये बहुत ही अच्छे से मैग्नेटाइज होगा, यानी कि जरा से करंट में ये मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन इसमें मिल गया। देखो इतना सा करंट दिया, मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी सी लगाई और मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा मिला।
दूसरे एक्सिस के अक्रॉस, यानी कि अगर इस एज के अक्रॉस तुम इसे मैग्नेटाइज करोगे तो ऐसे केस में ये देखो जरा सी मैग्नेटिक फील्ड पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है दोगे और जो फ्लक्स डेंसिटी इंड्यूस होगी वो क्या होगी, पहले वाले से कम होगी। और ये वाली सबसे बेकार एक्सिस है, यानी कि अगर तीसरी एक्सिस के अक्रॉस तुम मैग्नेटाइज करने की कोशिश करोगे सिलिकन स्टील को, तो सबसे कम BH तुम्हें जो बी मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी वो बहुत कम मिलेगी पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे। ठीक, तो ये इसका कंक्लूजन निकाला गया, यानी कि यहां से जो चीज निकल के आई कि भाई आप अगर एक ही क्रिस्टल को तीन अलग अलग एक्सिस पे उसे मैग्नेटाइज करोगे तो हर बार वो अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर पहली एक्सिस से करोगे तो अच्छी, बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा बहुत ज्यादा, तीसरे पे करोगे तो सबसे पुअर। तो ये जो पहली एक्सिस थी इसको नाम दे दिया गया, जो फर्स्ट एक्सिस थी इसको नाम दिया गया सॉफ्ट एक्सिस। सॉफ्ट एक्सिस, सॉफ्ट मतलब इजिली मैग्नेटाइज हो जाएगा। और जो थर्ड एक्सिस थी इसको नाम दिया गया हार्ड एक्सिस, हार्ड एक्सिस। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो सॉफ्ट एक्सिस एंड हार्ड एक्सिस, ये दो एक्सिस निकाली गई, यानी कि जो अब तक हम लोग देखते आए थे कि हमारे पास एक शीट है, ठीक है, सिलिकन स्टील की, मैं शीट ले लेता हूँ सिलिकन स्टील की और उसको जब मैं मैग्नेटाइज करूंगा, ठीक, तो जब मैंने यहाँ पे नॉर्थ और साउथ लगा रहा था और इसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश करता था, तो ये जो BH कर्व तुम हर बार ऐसे करके बनाते आते थे, ये इतना सिंपल भी नहीं है। इन्होंने देखा कि जब ये BH कर्व अगर ऐसे है, अगर मैं इसी को पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसके जो अंदर के ग्रेन्स हैं उन्हें अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट कर देता हूँ तो ये BH कर्व चेंज हो जाएगा। ठीक, तो उन्होंने कहा अगर सॉफ्ट एक्सिस के अक्रॉस करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक इजिली मैग्नेटाइज हो जाएगा, अगर मैं हार्ड एक्सिस के अक्रॉस मैग्नेटाइज करूंगा तो देर में मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आया कॉन्सेप्ट सॉफ्ट और, यानी कि दो जो क्रिस्टल एक्सिस यानी कि दो एक्सिस निकल के आई, एक है क्रिस्टल के अंदर, एक एक्सिस होगी सॉफ्ट एक्सिस और एक होगी हार्ड एक्सिस। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये दो एक्सिस निकल के आ गई। हार्ड सॉफ्ट एक्सिस जो होगी वो क्या होगी, ईजिली मैग्नेटाइज हो जाएगी, ईजिली मैग्नेटाइज, यानी कि ऐसी एक्सिस जिसपे अगर तुम्हारा क्रिस्टल ओरिएंट है या क्रिस्टल को अगर हमने उस एक्सिस मैग्नेटाइज करने की कोशिश करी तो ईजिली मैग्नेटाइज हो जाएगा, जबकि हार्ड एक्सिस जो होगी उसमें क्या होगा, डिफिकल्टी होगी या फिर डिफिकल्ट होगा टू मैग्नेटाइज करना उसको काफ़ी मुश्किल होगा। ये बात समझ में आ गई होगी, सॉफ्ट एक्सिस हार्ड एक्सिस क्लियर हो गया। नाउ अगर हम बात करें, अगर यानी कि अगर इजी टू मैग्नेटाइज है तो ऑब्वियसली चीज़ है इसके अंदर जो करंट, यानी कि IM, जो मैंने अभी ट्रांसफार्मर को आपको कंस्ट्रक्शन बताया था, उसके अंदर जो मैग्नेटाइजिंग करंट वो क्या होगा, स्मॉल, यानी कि छोटे से मैग्नेटाइजिंग करंट से तुम्हारा मैग्नेट मैग्नेटाइज हो जाएगा, जो फेरोमैग्नेटिक जो तुम्हारी ट्रांसफार्मर की कोर है वो उसके अंदर जो यूजफुल फ्लक्स यानी कि φm जो होता है वो स्मॉल मैग्नेटाइजिंग करंट से ही उसका काम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कहोगे, अगर तुम हार्ड एक्सिस ले रहे हो, हार्ड एक्सिस के अक्रॉस मैग्नेटाइज कर रहे हो, तो ऐसे केस में लार्ज मैग्नेटाइजिंग करंट यानी कि हाई वैल्यू यूज करनी पड़ेगी IM की मैग्नेटाइज करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है अगर तुम्हारी कोई सॉफ्ट एक्सिस है तो इसका जो रिलक्टेंस होगा S वो क्या होगा, कम होगा, जबकि इसका S क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जिसका S ज़्यादा होता है उसके लिए MMF भी ज़्यादा, MMF ज़्यादा होगा तो N into I। ठीक, तो यानी कि इसके अंदर जो N into I MMF इक्वल टू N into I होता है, तो इस केस में I ज़्यादा यूज होना पड़ेगा, ज़्यादा तुम्हें मैग्नेटाइजिंग करंट देनी पड़ेगी, सॉरी स्मॉल मैग्नेटाइजिंग करंट देनी पड़ेगी अगर सॉफ्ट एक्सिस पे कर रहे हो यानी कि इजी टू मैग्नेटाइज में, और अगर हार्ड एक्सिस पे कर रहे हो तो लार्ज करंट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका S ज़्यादा है तो मैग्नेटाइज MMF ज़्यादा चाहिए होगा, MMF ज़्यादा चाहिए होगा तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट IM वो काफ़ी ज़्यादा फ्लो करानी पड़ेगी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करते हैं भाई, ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट करा गया, एक फिजिस्ट थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, जो भी कह सकते हो आप उन्हें, जो भी थे रिसर्चर थे मेनली, उन्होंने जब रिसर्च करी तो उन्होंने ये चीज़ पता करके बताई कि भाई ये मटेरियल में प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। ठीक, हमने कहा ठीक है, तो यहाँ से अब एप्लीकेशन पे आते हैं, अब आते हैं हम लोग इंजीनियरिंग एस्पेक्ट पे। तो हमने ये पता कर लिया कि अगर हम लोग सिलिकन स्टील के ग्रेन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट करेंगे या उनके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उन्हें मैग्नेटाइज करेंगे सॉफ्ट एक्सिस के अक्रॉस, तो जरा से करंट में पूरा कोर मैग्नेटाइज हो जाएगा, जबकि अगर हम लोग उसे हार्ड एक्सिस के अक्रॉस मैग्नेटाइज करेंगे तो भाई हमें ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट खर्च करना पड़ेगा, और मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होगा तो आपको ये बात मैंने बता रखी है कि जो नो लोड करंट होता है वो इक्वल टू मैग्नेटाइजिंग करंट पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट के ऊपर ही मेनली डिपेंड करता है, तो यानी कि नो लोड करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ अब क्या हुआ, अब रोलिंग का इफेक्ट क्या देखा गया, तो भाई कैसे हम लोग एक पर्टिकुलर ओरिएंट डायरेक्शन में सब चीज़ों को ओरिएंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक नॉर्मल शीट ले लूँ, ये क्या है, ये तुम्हारी सिलिकन स्टील की शीट है, तो इसके अंदर जो ओरिएंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से, ये रैंडम ओरिएंटेशन होता है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब अगर इस रैंडम ओरिएंटेशन में मुझे फ्लक्स को सेटअप करना है, तो देखो
ये इस तरीके से फ्लक्स सेटअप होगा, तो जो भी पार्टिकल्स जो इस तरीके से रैंडम में हैं वो तो कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है यानी कि इस ओरिएंटेशन में है वो सपोर्ट करेंगे। तो ये हो गई सॉफ्ट एक्सिस, ये जो मैंने इस तरीके की डायरेक्शन बनाई है ये दिखा रहा है सॉफ्ट एक्सिस, ये समझाने का तरीका है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। तो ये हो गई सॉफ्ट एक्सिस, यानी कि अगर मैं ये शेप बना रहा हूँ हॉरिजॉन्टल तो ये सॉफ्ट एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये जो इस तरीके से डायरेक्शन बनाई है तो ये सारी सारी क्या है, रैंडम एक्सिस, यानी कि रैंडम एक्सिस और कह सकते हैं जो 2 और 3 वाली एक्सिस बनाई थी ये वो वाली एक्सिस है, याद है क्रिस्टल के अंदर मैंने दूसरी और तीसरी जो एक्सिस बनाई थी। तो ये बेसिकली ये बता रहा है इस चीज़ को, ठीक है, इजी समझ में आ गई होगी। तो हमें करना क्या था, अगर हमने पता कर लिया कि भाई सिलिकॉन स्टील को एक ही अगर सॉफ्ट एक्सिस के अक्रॉस मैग्नेटाइज करोगे तो अच्छा रहेगा ट्रांसफार्मर के लिए। अब किसी भी शीट के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, बहुत सारे क्रिस्टल होंगे, उन सबको हम लोग एक डायरेक्शन में कैसे अलाइन करें, तो इसके लिए जो मेथड अपनाया गया वो था कोल्ड रोल्ड मेथड। इसको समझो, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम जो जब रिसर्च की गई तो ये देखा गया कि आपने इसके अंदर क्या करना होता है, एक शीट ले लो आप, ठीक, शीट के अंदर अगर हम शीट के अंदर देखेंगे तो एक रोलर ले लेते हैं, एक हमारे पास रोलर होता है इस तरीके से, और ये रोलर जो होता है ये कोल्ड रोल्ड मतलब ठंडा रोलर होता है, कोल्ड रोल्ड करते हैं इसको, और इसको जब देखा गया कि जब इस कोल्ड रोल्ड को आगे की तरफ मूव कराया गया तो जिस डायरेक्शन में ये रोलर मूव करेगा जहाँ जहाँ से पास होगा वहाँ वहाँ क्रिस्टल जो होंगे वो इस डायरेक्शन में अलाइन होते चले जाएंगे, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो रोल हो रहा है, इसीलिए यहाँ से नाम आया CRG, यानी कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, यानी कि जिस डायरेक्शन में रोलर रोटेट करेगा उसी डायरेक्शन में उसके जो ग्रेन है वो ओरिएंट हो जाएंगे, यानी कि उस डायरेक्शन में उस एक्सिस में वो जो ग्रेन्स हैं यानी कि जो क्रिस्टल है वो अपने आप को अलाइन कर लेगा, और वही एक्सिस जो होगी वो हमारी सॉफ्ट एक्सिस होगी, ठीक। तो यानी कि अगर यहाँ तक रोलर आया है तो यहाँ तक देखो एक पर्टिकुलर सॉफ्ट एक्सिस पे अलाइन हो गए, आगे क्या है अभी जहाँ नहीं गया है वो सब देखो रैंडम है, ठीक। तो जब तुम रोलर पूरा इस पे से पास करा दोगे, रोलर पास होने के बाद क्या होगा, ये कुछ स्ट्रक्चर इसका जब रोलर इस पे से पास हो जाएगा शीट पे से तो ये शीट कुछ इस तरीके से दिखेगी तुम्हें, रोलर जब एंड पे पहुंच जाएगा यहाँ पे पास होके इसके ऊपर से चल के, तो रोलर जब इसमें पास हो जाएगा तो जिस डायरेक्शन रोलर जा रहा था उसी डायरेक्शन में देखो सारे क्रिस्टल जो होंगे वो ग्रेन्स वो अलाइन हो जाएंगे, ठीक। और ये जो एक्सिस है ये कौन से हैं, ऑल इन सॉफ्ट एक्सिस डायरेक्शन, सारे के सारे सॉफ्ट एक्सिस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे ये कैसे हैं, रैंडम एक्सिस है, रैंडम है, ठीक, रैंडम है, और ये क्या है, सॉफ्ट एक्सिस के अराउंड है, सॉफ्ट एक्सिस, समझ में आ रहा है। तो ऐसे जब हम लोग क्या करेंगे, एक ठंडा रोलर एक कोल्ड रोल, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारा अगेन टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो आपको जितना आपके लिए जरूरी है उतना मैं इसमें लेक्चर में सब कुछ बता रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, जब एक सिलिकॉन स्टील के ऊपर से एक ठंडा रोलर मूव कराओगे, हैवी रोलर, तो उसके अंदर के जितने भी ग्रेन्स हैं वो जिस डायरेक्शन में रोलर रोटेट हो रहा होगा उस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेंगे, और ये जो डायरेक्शन होगी ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये होती है सॉफ्ट एक्सिस। तो जिस डायरेक्शन में सॉफ्ट एक्सिस है उस क्रिस्टल की उसी डायरेक्शन में हम लोग कोशिश करेंगे कि रोलर हमारा मूव करे, ठीक। तो सारे के सारे एक पर्टिकुलर एक्सिस में, सारे के सारे हमने एक एक्सिस में अलाइन करवा दिए, ठीक। यानी फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर का माइक्रोस्कोपिक देखोगे तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर, कोई क्रिस्टल ऐसे है, कोई क्रिस्टल इस तरीके से रखा होगा, कुछ क्रिस्टल अजीब तरीके से होगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर सारे के सारे क्रिस्टल जो होंगे वो इस तरीके से हो गए, और ये जो एज होगी, ये जो एज है ये क्या होगी, ये सॉफ्ट एक्सिस हो गई, सॉफ्ट एक्सिस, समझ में आ गया। तो ये सारे के सारे क्रिस्टल जो होंगे वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ओरिएंट हो जाएंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ा CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ठीक। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो अगर दो ट्रांसफार्मर ले लेते हैं, दो ट्रांसफार्मर की कोर है, एक आपकी कोर है जिसमें आपने केवल ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील ली है, यानी कि ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील ली है, सिलिकॉन स्टील बहुत ध्यान से समझना, ग्रेन ओरिएंट जिसके अंदर ग्रेन्स होते हैं, क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। तो ग्रेन ओरिएंटेड ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, ठीक है। और एक आपने कोर ली है, अगेन इस कोर के अंदर आपने कौन सी ली है, CRGO, यानी कि CRGO सिलिकॉन स्टील, ध्यान रखना। तो आपने क्या करा है, जो CRGO ली यानी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, तो इन दोनों में अंतर क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना इसको, ठीक। तो हमने क्या करा है, ट्रांसफार्मर हमेशा इस तरीके से बना होता है, ये हम लोग उसको यहाँ से कट की तरह यूज़ करते हैं, जो स्लैब यूज़ करते हो आप उसमें या लैमिनेशंस यूज़ करते हो वो इस तरीके से कुछ मार्क की गई होती है। तो अगर हम इसकी बात करें इस पर्टिकुलर की, तो यहाँ पे ऐसे होंगे रैंडम, ध्यान से समझना अभी, ये देखो रैंडम ओरिएंटेड है, ठीक, ये क्या रैंडम ओरिएंटेड है, जबकि यहाँ पे ग्रेन ओरिएंटेड जो ओरिएंटेशन है उनकी वो अलोंग सॉफ्ट एक्सिस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ठीक। और ये जो डायरेक्शन में ओरिएंटेड है वो इनकी सॉफ्ट डायरेक्शन बन जाएगी जब हम इन्हें मैग्नेटाइज करेंगे फ्लक्स के थ्रू, बात समझ में आ गई। अब देखो जब मैं फ्लक्स सेटअप करूंगा, बहुत ध्यान से समझ जा, फ्लक्स सेटअप करूंगा तो देखो यहाँ पे फ्लक्स कुछ ऐसे सेटअप होगा, ये
ये ध्यान से देखना, फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसी ही होती है, हमने ट्रांसफार्मर समझा है। तो देखो अब इस केस में जब ट्रांसफार्मर में जब तुम फ्लक्स सेटअप करोगे, तो देखो जो इस फ्लक्स की डायरेक्शन होगी, जो जब ये फ्लक्स मूव आएगा, तो जिन क्रिस्टल में ये सॉफ्ट एक्सिस यानी कि फर्स्ट एक्सिस या सॉफ्ट एक्सिस से पास होगा ये फ्लक्स, वहां तो मैग्नेटाइजेशन करंट जो होगी वो कम चाहिए होगी, लेकिन क्योंकि रैंडम है तो मैक्सिमम क्रिस्टल जो होंगे वो रैंडम ओरिएंटेड है, तो यानी कि आप हार्ड एक्सिस से भी पास होगे, तो इसीलिए इस ट्रांसफार्मर को IM ज्यादा चाहिए होगा। तो इस ट्रांसफार्मर को अगर तुम्हें रैंडम एक्सिस ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील को मैग्नेटाइज करना है, तो तुम्हें एक्स्ट्रा मैग्नेटाइजिंग करंट की जरूरत पड़ेगी। जबकि देखो जब तुम इससे पास करोगे यानी कि ग्रेन ओरिएंटेड CRGO से, तो देखो इसके अंदर कितने स्मूथली पास हो जाएगा, आप देखिए ध्यान से, ये देखो ठीक। तो अब देखो जिस डायरेक्शन में फ्लक्स जा रहा है वही उसकी सॉफ्ट एक्सिस है, तो क्योंकि सॉफ्ट एक्सिस के अलोंग ये फ्लक्स मूव कर रहा है, अलोंग द सॉफ्ट एक्सिस, तो ऐसे केस में आपको जो मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए होगा IM, वो क्या होगा, लो करंट चाहिए होगा। बात समझ में आ गई, आई होप चीज क्लियर हो गई होगी कि क्यों CRGO में तुम्हें कम मैग्नेटाइजिंग करंट की जरूरत पड़ती है और कैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसका डिफाइन करता है, कोल्ड रोल्ड का क्या मतलब है। ये सारी चीजें आपने इस लेक्चर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व करा तब आपने सीखी होंगी, ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ध्यान रखने वाली एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसमें ध्यान ये रखना है कि जब आपको पता है कि इसको देखो ध्यान से, एक और ट्रांसफार्मर ले रहा हूं, CRGO का ये ट्रांसफार्मर, एक केस और, CRGO सिलिकॉन स्टील ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये भी वही है, लेकिन इस बार इसमें क्या करा है हमने, हमने थोड़ा सा अंतर कर दिया, अब की हमने ओरिएंटेशन ये मार्क कर दी है, ठीक, या एक काम करते हैं एक सी मार्क कर दी, मतलब जैसे अभी बता रहा हूं मैं, देखो ये भी CRGO है, ध्यान से समझना, ये भी CRGO है और ये वाला भी CRGO है, ठीक, इसको यहीं बना लेते हैं, इसको भी बहुत ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये देखो ये भी CRGO था पुराना वाला और ये भी CRGO है, इसके अंदर हमने क्या ध्यान रखा है, इसके अंदर ये ध्यान रखा है कि एक पर्टिकुलर हर जो लिम है और जो तुम्हारी योक है उसके अंदर डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट है, ये देखो। अब देखो अब अगर मैं इसमें पास करूंगा सेम मैग्नेटिक फ्लक्स, तो देखो जब फ्लक्स यहां से पास होगा इस पर्टिकुलर केस में यहां पे, देन ये एंड देन ये, तो देखो इस केस में क्या होगा, बड़ा ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये वाला पर्टिकुलर केस जो है जिसमें अब ये देखो ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में है लेकिन फ्लक्स ऐसे जा रहा है यानी कि अदर देन सॉफ्ट एक्सिस, तो यहां पे क्या होगा इस पर्टिकुलर एरिया में तुम्हें हाई मैग्नेटाइजिंग करंट की जरूरत पड़ेगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पर्टिकुलर लिम्ब को अगर तुम्हें मैग्नेटाइज करना है तो हाई मैग्नेटाइजिंग करंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें देखो डायरेक्शन जो एक्सिस है यानी कि सॉफ्ट एक्सिस की डायरेक्शन मैंने बनाई हुई है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग दोनों एक ही है, तो यहां पे तुम्हें क्या होगा IM की वैल्यू लो चाहिए होगी यानी कि लो मैग्नेटाइजिंग करंट से काम चल जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर कोर की बात करें जिसमें लिम्ब और योक में जो ओरिएंटेशन की डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, इन दैट केस देखो यहां पे अगर फ्लक्स पास होगा तो इन सॉफ्ट एक्सिस अलोंग सॉफ्ट एक्सिस, यहाँ पे भी अलोंग सॉफ्ट एक्सिस, यहाँ पे भी अलोंग सॉफ्ट एक्सिस और यहाँ पे भी, तो देखो इस केस में चारों ही केसेस में यानी कि चाहे योक में हो चाहे लिम में हो यहाँ पे तुम्हें मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू लो ही चाहिए होगी, ठीक है, तो इसीलिए ऐसी एक्सिस ऐसा कोर यूज करते हैं जिसके अंदर मतलब वो जो CRGO का भी सिलिकॉन स्टील ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो एक सा नहीं लेते हैं, उसको हम लोग चार एरिया में डिवाइड करते हैं पर्टिकुलर, और हर योग और लिम दोनों में ओरिएंटेशन की डायरेक्शन डिफर होती है, याद रखना ये चीज, ठीक है, तो ओरिएंटेशन की डायरेक्शन डिफर होती है ताकि सॉफ्ट एक्सिस जो है क्रिस्टल की और मैग्नेटाइजिंग जो मैग्नेटाइजिंग एक्सिस है वो मैच कर सके, एक दूसरे से पास हो सके, ठीक है, पैरेलल हो सके, तो इसलिए हम लोग CRGO जब यूज करते हैं तो उसमें भी ध्यान रखना, केवल CRGO मेटल यूज करने से सिलिकॉन स्टील यूज करने से काम नहीं चलेगा, आपको योक और लिम की डायरेक्शन डिफर रखनी पड़ेगी, ठीक। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बुक्स में आपको बहुत जल्दी ये टॉपिक नहीं मिलता है और लेक्चर्स में भी आपको ये जल्दी नहीं समझा जाता, इतना डिटेल में नहीं जाया जाता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपके लिए उसके लिए मुझे धन्यवाद, और आप अपना कितनी समय दिया इसके लिए अगेन थैंक यू। आप देखते रहिए, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपके मन में कोई भी किसी भी तरीके क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, अगर मुझे वो ज़रूरी लगेगा और मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा, अगर टेक्स्ट में आंसर कर दूंगा तो आपको कमेंट कर दूंगा, लेकिन अगर वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।